गुड मॉर्निंग विवा फैमिली फ्रॉम सासनगिर, और हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, और ये देखिए क्या मस्त राम सियाराम की धुन बज रही है यहाँ पर। मजा आ गया, ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही टेस्टी था। हाँ रिद्धि, बहुत अच्छा था ना? बहुत अच्छा था, मजा आया। किधर जाना है तेरे को सुबह सुबह? इधर अंदर अंदर चल रहा था, इधर बाहर चलते हैं। और हम लोग को गाड़ी में से भी लेना है ना। अरे मैंने स्लीपर्स पहने हैं। तो क्या हुआ, चलो कुछ नहीं होता है। गाड़ी में से शूज लेने, गाड़ी की चाबी तो ऊपर है। अरे हाँ, कोई नहीं, जंगल सफारी, सब सफारी करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे जा भी रहे लोग कितने सारे। नहीं, इधर से जो जाते हैं ना वो सफारी करके आ रहे हैं, जो सफारी करने जाते हैं ना वो उससे आगे वाले गेट से जाते हैं ना। तो मैंने अभी थोड़े लोग, हम भी कल आए थे तो इधर से ही आए थे ना, इसलिए तो हमको इधर ड्रॉप किया था। हाँ, तो मैंने अभी दो गाड़ी देखी जो यहाँ पे ऐसे ऐसे सब भर के पूरी जा रही थी ऐसे। रिद्धि, बहुत दूर नहीं जाएंगे, मैंने रूम वाले स्लीपर्स पहने। नहीं, वो अंदर जब पूछ रहा था जो फ्री में दे रहा है वो तेरे को नहीं पीनी, इधर पैसे देकर पीनी है। कैसा लग रहा है बताए, वो शेर को पिंजरे में डालते हैं तो कैसा ऐसा 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 चलता रहता है। पर ये दो तीन दिन से नहीं हो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अनइजी लग रहा तो है। कल बोलते हैं ना जंगल सफारी हम चल के जाते हैं, ऐसे शेर को हाथ फिराने के लिए भी मिलता। वो कैसे कर रहा था पता? वो दोनों ट्विन्स भाई थे, और वो कैसे कर रहा था पता? सोया था तो उसको एक वो आती ना मक्खी, वो इतना इरिटेट कर रही थी तो क्या फाड़, इतना हाथ ऐसा जोर जोर से ऐसे ऐसे इरिटेट होकर फिर अचानक से उठ गया। हम सब खड़े थे ना तो ऐसा देख रहा है, फिर आप सो गया। बट उसको मक्खी परेशान कर रही थी, वो कितने जोर जोर से ऐसे, वो भी बच्चे थे 5-6 महीने के, बोलो 5-6 साल के। और कितने डेंजर बाप भाई, ये दोनों भाई हमारे सब्सक्राइबर्स है, दोनों हमारी चैनल्स देखते हैं। ये भाई भी अरे भाग गया। विवा फुटवर्ल्ड और विवा ब्रदर्स विश्व की चैनल नहीं देखते, ऐसा क्यों? अभी वो भी देखना। वैसे वो वीडियो डालता नहीं है अभी, लेकिन अभी थोड़े टाइम में डालना शुरू कर देगा वापस से, फिर वो भी देखना। और आपके होटल में मजा आया, फूड बहुत ही अच्छा है और स्टे भी बहुत अच्छा था। चल रिद्धि, अरे घड़ी भी बंद है मेरी, 10 बजने आएगी, फिर लेट हो जाएगा। चलो, और भाई आज का व्लॉग जरूर देखना, मतलब वो तो देख ही रहे हो तभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, लेकिन भाई पूरा जरूर देखना क्योंकि आगे हम जिस लोकेशन पर आज जाने वाला है भाई आपको बहुत मजा आएगा, बहुत। तो अभी हम गिर से चेकआउट कर रहे हैं, और ये कुछ पहना था मैंने, और अभी हम यहाँ से जाएंगे हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पर। सो फाइनली गिर को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, और अभी कहाँ पर हम जाएंगे? मैं 2-3 बार बोला ना ये चीज़, लेकिन जिस जगह जा रहे हैं ना उसके बारे में सही में 2-3 बार बोलना ज़रूरी है, क्योंकि एक्साइटमेंट वहाँ का इतना ज़्यादा है ना, और मेरे से ज़्यादा तो रिद्धि को है वहाँ का एक्साइटमेंट। तो फटाफट से निकलते हैं और दिखाते आपको गुजरात की एक और नई जगह। हम रुके थे भाई गिर में, यहाँ पर प्राइड बिजनोटेल सासनगिर, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी होटल है, स्टाफ भी वहाँ का बहुत ही अच्छा है, और सर्विस भी बहुत अच्छी है, और किफ़ायती भी है सबसे मेन चीज़। तो भाई अगर आप गिर का प्लान कर रहे हो कभी भी तो यहाँ पे ज़रूर आना, ये वाला होटल ज़रूर से ट्राई करना, मज़ा आएगा। जो चीज़ अच्छी होती है ना वही मैं रेकमेंड करता हूँ, तो अगर मेरे पे भरोसा है तो भाई बिंदास आ जाओ इधर। और हम निकल तो गए, लेकिन आपको दिखाना रहेगा कि हमको जाना कितना है, ये देख लीजिए। हमको जाना है 79 किलोमीटर्स, 2:30 बजे पहुँचेंगे, 2 घंटे का रास्ता है। एंड बाय द वे ये रास्ता जाता है देवाड़िया नेशनल पार्क, जो मैं कल आपको बता रहा था ना मैन मेड है, तो वहाँ पर, तो वही रास्ते से हमको आगे जाना है। भाई यहाँ पर देखिए लाइन बना हुआ है, और ये गेट है कुछ, वैसे तो पीछे बहुत सारी रेस्टोरेंट्स वगैरह गई ना, और छोटे छोटे रिजॉर्ट्स वगैरह गए, उस पर भी भाई बहुत ऊंचा ऊंचा तार की जाल लगाई हुई थी ताकि भाई शेर वेर अंदर घुस ना जाए, और ये जगह भी कुछ ऐसी ही है। वैसे तो भाई ये पूरा एरिया ऐसा ही है, हम ऐसे पर्टिकुलर किसी जगह को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पर शेर आ सकता है यहाँ पर नहीं, क्योंकि भाई हर जगह पर यहाँ तो घूमते ही रहते हैं, क्योंकि भाई गिर में आए हो और आप ऐसा सोचोगे कि यहाँ पर शेर नहीं आएगा तो भाई ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती। ये देखिए भाई यहाँ खुल्लम खुल्ला लिखा है कि भाई यहाँ सिंह है, यानी कि लायन है, सिंह यानी कि भाई लायन, गुजराती में सिंह बोलते हैं, समझ गए भैया। ये रहा भाई देवाड़िया नेशनल पार्क का मेन गेट, यहाँ पर सारी गाड़ी है ना तो यहाँ से ही कहीं पर एंट्री होगी। ओके, इंटरप्रिटेशन जोन है ये गिर का, यही होगा शायद मेन एंट्री।
हम एंटर हो चुके हैं माड़िया सिटी में। तो माड़िया से भी जितने लोग देखते हैं उनको माड़िया में आकर हेलो, यहाँ से भी बहुत सारी कमेंट्स आती है। जितना जितना मेरे को याद आता जाएगा ना, जहाँ जहाँ पहुँचूँगा वहाँ से भाई मैं पास से हेलो करता जाऊँगा। अभी हम ना जूथड़ करके एक गाँव है वहाँ पर रुके, और जिन्हें ना चालू गाड़ी में से ये देख लिया, ये खाना है रिद्धि को। हम तो इसको भुंगड़ा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो पता नहीं। गोवा गए थे तो वो वृषा विशु भाई की फ्रेंड की वाइफ लेके आई थी। विशु भाई बोलते बहुत मजा स्कूल की याद आ गई, तो मुझे उसे स्कूल में वो मिलता था याद आ गई थी। यहाँ पे वो मिलता ये वाला है। ये वाला नहीं ले, ये भी ले, ये वैसा है ना प्राथमिक आरोग्य केंद्र जूथड़, उसके बिल्कुल सामने ये वाली शॉप से हमने लिया है भाई। यहाँ से जो भी हमको देखता है ना, देखो आपके गाँव में आकर हमने खाना भी खा लिया, मतलब अभी तो लिया है खाएंगे। ये बड़ा वाला भूमड़ा, ओ ला तो टेस्ट करता हूँ ये कैसा है। एक मिनट, बहुत टेस्टी है। अरे तोड़ के इसके लिए कचरा होगा नहीं तो। टेस्ट ने तो अच्छा है लेकिन हवा गया है, क्या बोलते हैं उसको, पूछा सॉफ्ट हो गया है लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा है। अभी रिद्धि का ना पूरे रास्ते यही सब चलने वाला है क्योंकि अभी लंच टाइम हो गया है ना। लंच ये थोड़ी करना है, हम प्रॉपर खाएंगे ना। प्रॉपर नहीं खाना, प्रॉपर हम लोग बिस्किट लिए, टी और बिस्किट खाएंगे। ओके ये लो। और वैसे देखो 41 किलोमीटर बाकी है और एक घंटा लगेगा, 2:21 को पहुंचेंगे हम। कौन से जगह से भाई हमको निकल रहा है गूगल मैप, पूरे जूथड़ गाँव की सैर कराई हमको, उसका चबूतरा भी देखा, शीतलामा का मंदिर भी देखा, और अभी ऑफ रोडिंग करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं भाई। ये गूगल है ना, कौन सा रास्ता दिखाता है ना, कुछ समझ में नहीं आता। ये चीज़ बहुत ही मस्त है, रिद्धि ने मेरे को टेस्ट कर रही, देखा तो आगे इसका नाम क्या है, बंसी 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 कच्ची वेफर्स, क्रंची वेफर्स, क्रंची गुजराती में लिखा है भाई, बंसी क्रंची वेफर्स, बहुत सही है। और क्या स्पाइसी है एकदम, पूरा टेस्ट बड्स आपके खुल जाते हैं। किधर बंसी की जगह है, हाँ है, ले ले लेनी हो तो भाई ये वाली शॉप भी है तो उधर मिलती है। रिद्धि को भी इतनी अच्छी लग गई ना, वैसे मेरे को भी बहुत अच्छी लगी है। मैं पूरा पैकेट लूंगी, विशु भाई को भी खिलाऊंगी घर पे जाके। ज्यादा ही ले लेंगे तो भाई घर पे जाकर भी खा पाएंगे। जो चाहिए था ना वो नहीं मिला तो हमने और ही कुछ ले लिया। हाँ। और ये रिद्धि ने इधर कुछ ये उसकी मिल्की बार जैसी चॉकलेट देखी तो वो ले ली भाई। वो बंसी का चटपटा हमको इतना अच्छा लग गया ना कि जो भी ऐसी दुकान आ रही है ना रास्ते में, सभी जगह रुक रुक कर पूछ रहे हैं। अभी रिद्धि चेक कर रही है कि यहाँ पर है नहीं, वो दादी अंदर बैठे दुकान में, उन्होंने बोला तो सही क्या है लेकिन एग्जैक्टली हमको जो चाहिए वो वाला है कि नहीं, क्योंकि भाई बंसी की प्रोडक्ट भी बहुत सारी होगी ना, बड़े वाले छोटे वाले, छोटे वाले तो हमको भाई मीडियम वाले चाहिए। अच्छा पहला आपने लीजा है ना थी भाई, यहाँ पर एक जगह पूछा वहाँ पर है तो सही बंसी का। अभी जाकर रिद्धि देख रही है कितनी सारी जगह पर पूछा, पीछे भी एक शॉप गई वहाँ पर भी पूछा, सामने भी एक शॉप है, ऑप्शन है, अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा ना तो सामने वाली शॉप पर जाएंगे। अगर बंसी से कोई भी देख रहा हो ना तो भाई थम्स अप, क्या सही चीज़ बनाई है आपने। शायद नहीं मिला या मिला, नहीं डाउटफुल है भाई, बहुत सही है। वडोदरा में बेचो आप, आपका माल बहुत बिकेगा, हम ही इतना खाएंगे ना, आपको किसी और को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। बंसी का तो नहीं मिला लेकिन इधर जय गोपाल का मिला, लेकिन फिर भी रिद्धि उधर सामने पूछने गई है भाई। ये बंसी ने ना हमारा बहुत टाइम ले लिया, कहाँ हम पहुँचने वाले थे 2:30 बजे, अभी 2:45 हो गए, 2 बजे का उधर का हमारा चेक इन था। और वो जगह ऐसी है ना कि वहाँ पर तो भाई एक मिनट भी हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए पहुँचने में, लेकिन भाई ये बंसी के चक्कर में हो बंसी मिल गया, बंसी मिल गया। रिद्धि ने देखो कितना बड़ा पैकेट उठाया है, मिल गया भाई, लगता है इतना बड़ा पैकेट ले लिया ना, मतलब बंसी है वो पक्का। सेम जे ये वाड़ू सब ले ले, सब ले ले, इधर जो भी मिलता होगा ना सब खा जाएगी आप। आगर किटलू पूछता पूछता आया बंसी नु, क्या है ना तू मरतू आता मरती मोड़ी। हां मरती मोड़ी जाए, जूथड़ में एक जगह टेस्ट करियो ना तो एक काका कहता था जू વધારે લઈ જાઓ, પણ મે અમે બે જ પેકેટ લીધા, પછી એટલું ભાવી ગયું પણ અમે નીકળી ગયા હતા, પછી બધી જગ્યાએ પૂછતા પૂછતા। હા વડોદરા થી આવ્યા છે, વડોદરા। હા ચાલો થેન્ક યુ, બાય, આવજો। ચલો ભાઈ ફાઇનલી બંસી પ્રોજેક્ટ અમારો કમ્પ્લીટ હો ગયા, અભી કહીં પર ભી નહીં રુકેંગે। અરે જી भाई भाई बोल रहे हो दीदी, अभी सीधा याद है स्कूल में मिलता था। हाँ मेरी बात सुन ले पहले, रुकना कहीं पर भी नहीं, अभी कुछ भी खाना कुछ भी पीना मैं नहीं रुकने वाला, मेरा तो पेट फुल हो गया अभी। अरे भाई साहब थोड़ा स्लो चल लो, अरे हेलो, अरे रुक भी जाओ, वेरी गुड। वाह जी, मैंने आपको 247 दिखाया था ना, अभी 251 हो गया, क्योंकि 247 दिखाने के बाद भी गए थे ना बंसी प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने। अरे भाई बहुत टाइम लग गया। ये वाला रोड देखिए आप, यहाँ पर है ना बरगद के पेड़ ही बरगद के पेड़ कितने सारे हैं, और ऐसे ना कट किए ताकि बीच में से भाई व्हीकल आराम से जा सके ना, टच ना हो।
पीछे भी देखिए पूरा ऐसा ही रास्ता था, अगर पीछे दिख रहा होगा तो आपको पूरा रास्ता ऐसा है, टनल शेप। सही है ना, यहाँ पर भी अगर रात में गुजरे ना हम तो भाई बड़ा ही भयानक दिखेगा है। क्या सही दिख रहा है भाई, वाह आगे भी ऐसे ही चल रहा है ये तो। अरे भाई साहब कितने सारे बरगद के पेड़, ओए होए भाई जबरदस्त। हम पिछले तकरीबन 4-5 किलोमीटर से आ रहे हैं और सभी जगह भाई यही नजारा है, ये देखिए। ओ भाई साहब और साइड में कोकोनट ट्री। फाइनली हम पहुंच गए मांग रोड। तो भाई मांग रोड से जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं भाई हेलो, और केशोद भी आ गया तो केशोद से भी जो हमारे वीडियोस देखते हैं उन सबको सॉरी हेलो। और ये लो जी हम पहुंच गए गोवा फिर से एक बार। एंड बाय द वे हमें ना ये थोड़ा जूम आउट कर तो रिद्धि भाई, समंदर के साथ साथ चल रहा है आपको दिखेगा, ये देखो हमारी गाड़ी है ना बिल्कुल समंदर के किनारे के साथ साथ चल रही है। और आगे जहाँ जाने वाले है ना वहाँ तो भाई बिल्कुल ऐसे इस तरफ समंदर दिखेगा, बीच में हमारा रोड और इस तरफ पूरा गुजरात, भाई क्या मजा आएगा। तो भाइयों और बहनों सारे के सारे विवा फैमिली के हमारे सदस्यों दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि हम पहुंचने वाले एक बेहतरीन जगह पे, ये देखिए बिल्कुल समंदर के पास जाने वाले हैं। और भाई क्या बढ़िया सा नजारा दिखेगा वहां से, पहले हम पहुंच जाए फिर दिखाते हैं। और भाई यहाँ पर देखिए दूर दूर तक भाई पूरी ऐसे समतल जमीन जो फ्लैट लैंड बोलते हैं ना वही है, बहुत ही बढ़िया नजारा है। हमको वहां जाना है लेकिन पहले आपको नजारा दिखाने के लिए हम थोड़ा आगे ले जाएंगे, आपको इधर का नजारा दिखाएंगे फिर हम हमारी जहाँ पर रुकना है जो जगह पर जाना है वहां जाएंगे। और ये पूरी रोड देखिए ऐसे बिल्कुल समंदर के साथ साथ चल रही है, क्या मजेदार रास्ता है। और ये दिखाने के चक्कर में रिद्धि आगे कट तो आएगा ना, हम ज्यादा आगे नहीं चले गए ना, वो अभी आप देखो। वाह वेव्स देखिए वहां पर, क्या तूफान मच रहा है, ओए होए 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 क्या बढ़िया सा नजारा है। अभी फटाफट हम ना हमारे होटल पर चले जाते हैं, पहले सामान वामान रखते हैं फिर यहाँ पर निकल के आपको बताएंगे ये जगह। वैसे हमको जाना है पीछे, आपको दिखाने के चक्कर में आगे तो आ रहा है लेकिन भाई कट ही नहीं मिल रहा है, शायद आगे कट दिख तो रहा है वहां पर। चलिए भैया कट मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो पता नहीं और कितना जाना पड़ता। अभी देखिए भाई साहब, ओए होए क्या नजारा है, मस्त है ना रिद्धि, बोट के साथ रेस लगा रहे हैं हम, जीत गए। तो ये पहुंच गए हम हमारी मंजिल पर। भाई यहाँ से जो नजारा दिखता है ना आपको, एक बार रूम में चले जाते हैं फिर दिखाता है। भाई ये पार्किंग से इधर की कोई कनेक्टिविटी है नहीं मेरे को लग रहा है, रिद्धि पार्किंग किसी और का तो नहीं है ना। यहाँ पर है ना ऐसे ऐसे करके ये दो रूम ऐसे करके सिर्फ और सिर्फ 10 रूम है यहाँ पर, और इसका नाम है द फर्न लियो बीच रिजॉर्ट। नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन जगह उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन भाई क्यूट सी है, छोटी सी प्यारी सी है। देखिए अरे भैया लगेज तो चला गया, इन लोगों को भी दिक्कत होती है भाई, ये कुदा कुदा के ले जाना पड़ रहा है, और गाड़ी इधर पार्क कर दी है। और वैसे ना ये बोल रहे हैं कि ये अभी और बड़ा बन जाएगा, अभी सिर्फ 10 रूम है ना, आगे एक्सटेंड होकर और कितने रूम ऐड होने वाले हैं? 24 रूम, मतलब इसके साथ 24 और 24 टोटल 34 होगा। अच्छा छोड़ के सही है, तो आगे ये जैसा है ना वैसा और आगे बन रहा है, ये देखिए आगे आपको शायद दिख रहा होगा। तो फिर जाके शायद ये सारी झंझट खत्म हो जाएगी, लेकिन सही है अच्छा है। और यहाँ से है ना बिल्कुल सामने बीच दिखता था, ये इनकी लैंड है लेकिन यहाँ पर उन्होंने ना स्विमिंग पूल वगैरह बनाया है, तो स्विमिंग पूल में प्राइवेसी के लिए उन्होंने आसपास दीवार खड़ी कर दी है। लेकिन ऊपर जो रूम है ना वहाँ से तो भाई सीधा दिखता है सी, मतलब सी व्यू है पूरा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ऐसा मन बना कर आए, अभी देखते हैं। तो भाई ये रहा हमारा रूम, यहाँ से एंट्रेंस है, और ये रहा हमारा वॉशरूम। सही है भाई, ये भी हम खोल सकते हैं अगर समंदर देखते देखते नहाना है तो। और ये रहा बड़ा सा मिरर, फिर वैसे रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन जितना भी है अच्छा है। और यहाँ से व्यू देखिए, अरे भाई साहब वाह यही मज़ा है ना इसका, इसी के लिए तो यहाँ पर आए थे। और ये जो बोल रहे थे ना स्विमिंग पूल बन गया है, ये देखिए वहाँ पर कुछ स्विमिंग पूल बनाया है, और ये सारी प्रॉपर्टी इनकी है। और अगर बीच साइड पर अगर हाइट या कुछ भी अगर करना है ना हमको तो वहाँ पर वो प्रोवाइड भी करते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है, वाइब्स अच्छी है यहाँ की। तो अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में, क्योंकि भाई जैसे रिद्धि ने स्विमिंग पूल का नाम सुना ना
भी चलते हैं अभी। ये देखिए भाई, दो दो तोते बैठे हैं। हेलो, आपको पता है अगर मेरे मुंबई वाले घर पे ना सामने एक पेड़ है जहाँ पे सारे पैरट रहते हैं, तो सुबह उठते हैं ना वैसे पूरी टेरेस पे झूले पे पैरट आते, सेम ऐसे ही। देखिए भाई कितनी आवाज कर रहे हैं उधर बैठकर। चलिए भैया हमारा लाइफ बॉय ले लिया, किधर लिखा है? हाँ ये देखिए लाइफ बॉय, ये रहा। ये की आपके पास रखोगे आप गाड़ी की? थैंक यू। अब देखना भाई क्या आतंक मचता है स्विमिंग पूल में। वो लोग ने बोला कुछ भी खाना पीना हो ना तो वहां से ऑर्डर करके देना, पर मुझे क्या डर लग रहा है पता है, घर की शादी हाथ काले नहीं हो जाएगी ना मेरे। खाने में और घर की शादी में क्या लेना देना? खाने नहीं, इधर पूल में तो है ना, उधर छांव भी है, बैठ भी सकते हैं, शेड्स बनाए हुए हैं। ये देखिए ये जैसा बना हुआ है ना वैसा बोल रहे हैं, वहां पर और भी एक्सटेंड होगा। और ये हम आ गए पूल के पास, पूल की तरह गेट बंद कर दूं ना भाई, कुछ आना जाए। वैसे शेर यहाँ तक तो नहीं आता लेकिन फिर भी सही है, ये जगह सही दिख रही है। वाह सही है ना रिद्धि? देखिए यहाँ पर सामने पूरा समंदर है और यहाँ पर स्विमिंग पूल। पता नहीं क्या बज रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है। ये देखिए यहाँ का व्यू, और आपको यहाँ से समंदर दिखाते हैं। वाह यहाँ से हम जा भी सकते हैं, वहाँ गेट बनाया हुआ है, तो वहाँ से अगर डायरेक्ट हमको बीच पे जाना है ना तो वहाँ से ही एक्सेस है। सही है। और ये रहा भाई इधर का स्विमिंग, इसमें थोड़ी देर के बाद जाएंगे क्योंकि धूप बहुत है ना। सही है रिद्धि ना, जबरदस्ती इधर ले तो आई स्विमिंग करके, लेकिन भाई धूप इतनी है ना कि इसके सब होश को छूट गए। क्यों पता है? इसके पहले हम लोग जो भी गए थे ना घूमने, तब मैं पानी में आई थी, पूरे मेरे हाथ है ना ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गए थे। थोड़ी धूप कम होगी तब जाएंगे स्विमिंग पूल में। वैसे भाई सनसेट यहाँ से बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है आपके सामने ही, देखो। एंड बाय द वे ना मैं इस बार ड्रोन लेकर आया हूँ, लेकिन है ना अभी देखो सूरज सामने है ना, तो यहाँ से मेरे को उस साइड का सीन लेना होगा ना, मतलब शूट वो डायरेक्शन में करना होगा ना, तो भाई सामने से धूप आएगी, तो जब भी कभी सामने से लाइट आती है ना तो अच्छे से कलर्स दिखते नहीं है। जैसे कि ये देख लो आप, आपको डंका कुछ नहीं दिखेगा इधर, आपको है ना कुछ मतलब कलर अंदाज़ा नहीं आएगा कैसा है क्या है। और इधर देखो, इधर आपको प्रॉपर कलर्स दिखेंगे। तो भाई इसकी वजह से ना मैं सोच रहा हूँ ड्रोन सुबह में ही उड़ाऊँ, ताकि भाई आपको मस्त इधर का अच्छा सा व्यू दे पाऊँ, तो वो शायद कल के व्लॉग में दिखेगा आपको। और बोलो और क्या चाहिए? मुझे क्या लगा बताए, थोड़ा थोड़ा आएगा, बड़ी इतना आएगा वो नहीं पता था। खाओ और क्या भाई, इससे तो हमारा डिनर ही हो जाएगा, डिनर में खाने के लिए जगह नहीं बचेगी पेट में। यहाँ पर आने से पहले ना यहाँ के रिव्यूज मैंने पढ़े थे, तो सारे लोग है ना फूड की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज जब यहाँ पर आकर ये टेस्ट किया ना तब पता चला कि भाई सच में इनका फूड नंबर वन है, बहुत अच्छा है। हाँ सारी मुंबई स्टाइल सैंडविच है, बहुत वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। वैसे अभी वही एक सैंडविच टेस्ट की है, ये चिली चीज तो अभी बाकी है, लेकिन भाई जितना भी टेस्ट किया ना, एक ये वड़ा और ये कॉफी और वगैरह बहुत ही मस्त है। मस्त खाना खा लिया और अभी हम पूल में जा रहे हैं। वैसे खाना खाने के तुरंत बाद भाई ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ बैठेंगे पूल में क्योंकि स्विमिंग तो वैसे भी मेरे को नहीं आता ना। हाँ क्या लिखा है? नो लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी, स्विम एट योर ओन रिस्क। इसके लिए हम ये लेके घूमते हैं, रिस्क में नहीं जाना चाहते। थोड़ा तो ठंडा होता ही है ना, चलो। ये ठंडी दिमाग में चढ़ जाए ना, ठंडी में कैसा होता है ये देखो, टच तो करो कैसा ठंडा पानी है। बोल रहा था अभी अंदर जाके बोलता है ठंडी लग रही है कैसे जा? तो सही अंदर देखो ट्यूब जा रही है अपनी। बाय बाय। अरे बहुत सच में बहुत ठंडा है रिद्धि। तो मैं बोल रही थी तभी मेरे को चिढ़ा रहे हो। अरे गुड ऑल द बेस्ट। किसी को चिढ़ाने से पहले ये सारा फील कर लो खुद, फिर चिढ़ाओ। जा कौन सी जगह पे क्या क्या फील हो रहा है मैं बता नहीं सकता। सब फील होता है। जा मुझे इतना बोला उतने में बस इतना ही है। अरे मैं पैर ऊपर करके ऐसे करके खड़ा हूँ, मेरे को ठंडा लग रहा है। नीचे रखो। अरे मेरा दिल चला जाएगा ना पानी में, ठंडा हो जाएगा। रखो नीचे। कितना मस्त व्यू है देखो यहाँ से। वाह भाई इन्फिनिटी पूल और सामने भाई समंदर ही समंदर। ए हम लोग यहाँ से ना के वहाँ जाएंगे यार। कहाँ जाएंगे? यहाँ ऐसे इधर से ही जाना है। आजा चल जल्दी। एक मिनट। अरे कुछ नहीं होता बराबर। ये कौन बोल रहा है जो खुद ऐसे ऐसे जा रहे हैं?
नहीं, दो मिनट मेरे को बहुत चटके लग रहे हैं वो ठंडे ठंडे ठंडे. नहीं नहीं, तो आपको मम्मी की कसम है, मेरी तो आप लेते नहीं हो कसम. मैंने गर्म पानी चाले आना करता तो. कौन लेकर आया स्विमिंग पूल का चस्का, किसको था? ये देख रही थी इधर स्पीड बोट भी चलती है, मैंने बोला ना इधर वाटर एक्टिविटीज भी है. ये देखो भाई, ये हम लोग ने एक दिन एक्सटेंड किया है, मिलेगा तो कल, ले तो नहीं. वैसे है ना, इधर एक ही दिन का हमको बुकिंग मिला है, अभी कल तो वैसे चेकआउट करना है, लेकिन बात तो की है अगर किसी का कैंसिल होगा भाई बुकिंग तो हम इधर एक्सटेंड करेंगे, लेकिन भाई उसके चांस बहुत कम है. और ये देखिए क्या सही दिख रही है भाई, आपको एक बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ. हम ना इधर ऑलमोस्ट आधे घंटे से तो है ही है ना, आधा घंटा तो गया होगा, लेकिन हम देख रहे हैं ना, देखिए वहाँ पर दो लोग है ना बैठ कर मेडिटेशन कर रहे हैं. ये देखिए कब से ऐसे कैसे ही बैठे हैं, अभी हम भी जाएंगे, मेडिटेशन चल रहा है इनका. भाई क्या मज़ा आता होगा ना, ऐसे समंदर की आवाज़ और उसके सामने ऐसे बैठकर मेडिटेशन. बीच पर जाना है, इधर बहुत ठंडी लग रही है. ये हाथ भी देखो मेरा, नीचे भी नहीं जा रहा है. अभी आकाश देखो विशु भाई को दिखा रहे हैं फूल, क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या नहीं है, वो सब दिखाते हैं भाई को. भाई का फ़ोन आता है, पहले मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद वो डिटेल में दिखाते हैं कि क्या है. ये देख विशु, ये है विशु, वो है, दिखा रहे अभी. और अभी हम जाएंगे यहाँ से बीच पे, ये बीच का रोड है, यहाँ से बीच पे जाना है. यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे बीच पे. और अभी क्लाइमेट देखो कितना अच्छा हो रहा है, सन देखो कितना अच्छा लग रहा है. रुक जा रिद्धि, चप्पल पूरे गंदे हो गए अपने. हाँ तो वो धो लेंगे ना, उसमें क्या है, बहुत डीप है ना. डीप नहीं, ये क्या है, ये हाइट देखो आपको इधर से आइडिया आएगा, बहुत स्लांट है, मतलब पूरा ऐसे वो क्या बोलते हैं लसरपट्टी जो उसे रिद्धि, नीचे बैठ के ऐसे जाऊं. मेरे को डर लग रहा है. ओह पानी की आवाज क्या जबरदस्त आ रही है ना रिद्धि. उधर आगे चलेंगे ना तो उधर सब एक्टिविटीज भी है. नहीं मुझे नहीं करना है वो सब घोड़े बोड़े पे. ऐसा लग रहा है ना इधर से अगर सिर्फ खड़े रहते हैं ना तो भी अपने आप चलने लगते हैं, इतना स्लोप है. ये देखो ये वीडियो में ना ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन भाई जबरदस्त वाला स्लोप है यहाँ से. आपको बताया गाइस, मैं जो मांडवी बीच गई थी ना, तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम है ना सारे ऐसे ये जो शंख होते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो सब इकट्ठा किए थे. और मेरी मम्मी ने अभी भी वो संभाल के रखे हैं मेरे घर पे. उसमें मैं इतने अलग अलग शेप के लेके आई थी ना, तो मम्मी ने अभी तक संभाल के रखे. इधर भी देखो कितने बड़े बड़े. और भाई यहाँ पर आगे जाते हैं ना, ये देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे स्टॉल्स है, वहाँ पर आपको वाटर एक्टिविटीज भी करने के लिए मिल जाएगी और खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी उधर. समुद्र से ना डायरेक्ट डीप आ जाए, डीप है ना यहाँ से भाई, बहुत से मतलब पूरा बोलते हैं ना ऐसे ऐसे 45 डिग्री ऐसे ही समझ लो, जो मेन लैंड है ना वहाँ से 45 डिग्री ऐसे स्लांट होकर सीधा समंदर आ जाता है. यानी हमारा कैसा होता है, हम बीच पे जाते हैं सर, धीरे धीरे पानी आता है, धीरे धीरे बीच ऐसे आगे आता है, ये डायरेक्ट डीप है. यहाँ से देखो यहाँ से डायरेक्ट नीचे है. क्या आवाज आ रही है ना, तो इसमें पैर रखने भी नहीं जा सकती हूँ ना. नहीं इधर जाना ही नहीं है, अरे वो तो लोकल है, इधर अलाउड ही नहीं है पानी में जाना. जबरदस्त आवाज आ रही है ना, मुझे पानी की आवाज से बहुत डर लगता है. मेरे को भी एकदम. ये देखो अभी देखना, ये देखो ओ भाई साहब, ये वाला पानी देखो इधर, हाँ ऊपर तक, ये देखो भाई बिल्कुल ऊपर तक आया था. ये देखो वापस आया रिद्धि, वापस आया. देखो ये नीचे तक है, घबराहट हो रही है. मजा आ रहा है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है. जाना है रिद्धि स्पीड बोट में, हाँ अभी जाना है तो उधर जाना पड़ेगा इसके लिए. ये देखो भाई इधर ये सारी एक्टिविटीज भी होती है. क्या हुआ, यूटर्न ले लिया इधर से. हाँ तो वो वापिस तो जाएगा ना, आगे आगे थोड़ी चला जाएगा. ये देखो भाई साहब, इधर लहरें बड़ी खतरनाक होती है. और ये तो मैंने है ना रिद्धि द्वारका में देखा है, द्वारका में मतलब मैंने वीडियोस देखे द्वार. ओ ये लहर देखना, द्वारका में रिद्धि बहुत तूफानी हो जाता है समंदर. ये यहाँ तक पानी आया एक लेयर का, ये अभी आएगी थोड़े थोड़े टाइम में ना, वो लेयर आता है अभी यहाँ तक वाला भी आएगा. ये देख बड़ी वाली आई, ओ इधर आया, इधर भी आएगा, इधर तक आएगा पानी.
ये छोटी थी तो भी यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक गीला, यानी यहाँ तक भी लहर आएगी भाई। ये बीच के मजे ले रहा है वो, उधर बैठ गया था, पानी आया तो फिर खड़ा हो गया। ये देखो पानी आया है, भाग, अरे भाग, अरे भाग जा, रह गया थोड़े के लिए भाई। ये लोग भी खेल रहे हैं पानी के अंदर। ए चिट्टू, फोटो कराना है तेरे को। हेलो, डर गया। ओ भाई साहब, ये कुछ अलग ही गेम चल रहा है, गैंग वॉर हो गया इधर। ओ माय गॉड भाई, मेरा ध्यान पूरा इधर था और वो दूसरा कुत्ते ने आकर अचानक अटैक कर दिया उसके ऊपर भाई। काठियावाड़ी कुत्ते बड़े खतरनाक होते हैं। अरे वो सरेंडर कर दिया उसने, सॉरी भाई साहब बोल दिया। देख ए गुंडे, ये देख इसको मस्ती है। आए हाय 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 हाय, ओ वापस। अरे अरे वो गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर। तू यहां तर मछली ले, जैसे मछली। हां भाग जा छोटू, तेरी सब फीस लेकर भाग जाएगा वो तेरी मच्छी। भाग भाग जा। रितिक को टेंशन हो रहा है, अच्छे से पकड़ के जा नहीं तो वो सब गिर जाएगी। ये ना बड़ा, ये बड़ा चंट है ये वाला, ये बहुत ही अच्छा है लेकिन वो खेलने नहीं देता। तेरे को बहुत डरता है वो। रिद्धि एक चीज देखी तूने, मेडिटेशन देख उनका अभी भी चल रहा है भाई। ये नज़ारा देखते देखते ना कब सूरज ढल गया ना पता ही नहीं चला, और भाई बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए भाई, ये पानी की आवाज़ ही बहुत, मतलब हम समंदर के पास नहीं रहते ना वैसे। रिद्धि को तो बहुत सारी आदत है ये सब सुनने की, क्योंकि मुंबई में पैदा हुई, वहाँ पली बड़ी, तो भाई उसके लिए ये बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखिए बड़ी सी लहर मेरी, मेरी जहाँ कॉलेज थी ना वहाँ, मेरी कॉलेज बैंड्रा में थी, तो मैं काटर और बेंच स्टैंड पे रोज, मैंने 4 साल निकाले ऐसी, तो मैं रोज सुबह वहाँ पे। अच्छा, रोज 4 साल निकाले, ये तो कुछ नया ही हो गया। 4 साल हम लोग वहाँ पे बैठ के स्टडी करते थे। पूरा घर कम पड़ जाता था, कॉलेज कम पड़ जाती थी, आप समंदर किनारे बैठकर स्टडी करते थे। कॉलेज 7 बजे होता था ना, तो हम लोग 6 बजे वहाँ पे जाके बैठ, 6:30 बजे। ओ, 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 ओ भाई साहब, ये देखिए यहाँ तक आया पानी, जबरदस्त जबरदस्त। ऊंट देखो ऊंट। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि भाई डिनर तो हमारा हो ही गया था, समझ लो वो उतना सारा खाया ना भाई, तो पेट में भी जगह ही नहीं है, तो डिनर आज शायद स्किप ही करने वाला है। रिद्धि कुछ खाएगी तो पता नहीं, मैं नहीं बोला स्किप करना है, नहीं खाना है ना। तो बस आज का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।